हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ पार्ले जी बिस्किट से बने बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना तो आसान है ही और घर के कुछ ही सामानों से इसे बनाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए पार्ले जी बिस्किट। तो मैं यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये वाला यूज़ कर रही हूँ, और पार्ले जी बिस्किट जो है हर जगह आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर यही बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई और बिस्किट का यूज़ करना है तो कर सकते हैं, उससे भी ये रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो सारे बिस्किट को क्या करेंगे कि फाड़ करके सारे बिस्किट को हमें निकाल लेना है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सारा बिस्किट मैंने निकाल ली है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने स्टोव पर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पर 1/2 कप देसी घी। यहाँ पर आप घी का यूज़ करें तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो 1/2 कप घी डाल देंगे, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए आंच को मीडियम रखेंगे। और इसको क्या करेंगे कि सारा बिस्किट को हमें घी में डाल करके इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। एकदम सा कलर चेंज नहीं करना है, बस घी में अच्छे से हमें इसको अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। घी उतना ही डालें जितना कि ये जो बिस्किट है अच्छे से फ्राई हो जाए, ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर ये फ्राई कर ली है, इसको ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है। बस इस तरह से देखिए, हमने फ्राई कर ली है तो इसको निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से तोड़ के भी डाल सकते हैं, और डाल करके इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर सारा घी जो है यहाँ पर सूख चुका है। बस अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे, यानी कि रवा। और इसको क्या करेंगे कि 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे उतना हमें इसको भून लेना है। तो मैंने भून ली है, और इसको इस बर्तन में मैंने निकाल भी ली है। थोड़ा सा ये काला काला जो दिख रहा है वो बिस्किट का टुकड़ा है। और इसमें क्या करेंगे, 1 कप डाल देंगे मिल्क पाउडर, और 1.5 कप इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध डाल करके इसको क्या करेंगे, अच्छे से हमें मिला लेना है, और मिला लेंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से दूध में फूल जाए। तो थोड़ी देर मिला करके और इसको साइड में रख देंगे। और इधर बिस्किट को क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि इसे हमें पीसना है इसलिए तोड़ लेंगे ताकि ये आसानी से पीस जाए। ये बिस्किट एकदम से ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म ही है। आप चाहें तो एकदम ठंडा करके भी पीस सकते हैं। तो बस इस तरह से डाल करके, और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसको हमें इस तरह से पीस लेना है। तो ये बिस्किट को हमने फ्राई किया है, बिस्किट गर्म था तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिक्विड में ये पीस करके रेडी हुआ है, क्योंकि इसमें हमने घी डाला हुआ है। तो बस अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैन जैसे ही गर्म हो जाए 1/4 कप यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ, और 1/2 कप डाल देंगे पानी, और चीनी घुलने तक इसको हमें पकाना है। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर और बिस्किट का यूज़ की है, जो कि ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए यहाँ पर मैं चीनी कम ही डाल रही हूँ। और इसको क्या करेंगे, अच्छे से हमें चलाते हुए अच्छे से चीनी को हमें घुला लेना है। तो देखिए, यहाँ पर चीनी जो है अच्छे से घुल चुका है। बस इसको हमें कोई भी तार नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको चिपचिपा कर लेना है हमें। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने सूजी को दूध में डाल के रखी हुई थी, बस इसमें डाल देना है हमें। और डालने के बाद क्या करेंगे कि इसको मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार चलाना है, ताकि इसमें गुठली जैसा नहीं रहे। नहीं तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो ये तुरंत गुठली जैसा होने लगता है, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, ताकि सूजी जो है थोड़े से पक जाए। बस इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच, छोटी चम्मच यहाँ पर मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए। बस इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है, और ये जो हमने बिस्किट को पीसी हुई थी इसको भी इसमें डाल देंगे। और इसमें अलग से हमें घी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो बिस्किट है हमने घी में भुनी हुई थी, इसमें घी है, तो बस इसी घी में हमें इसको पकाना है। अलग से हमें इसमें अब घी या फिर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो बस अच्छे से हमें इसको मिलाते हुए पकाना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, अगर आप पकाएंगे ना तो बहुत ही एकदम से खुशबू आने लगता है सच में। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पर सारा मिक्स कर ली है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है, इस तरह से हमें पका लेना है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर स्टोव को बंद कर देंगे, और इसको हमें जमाना है। तो इसके लिए यहाँ पर प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा दी है, और इसके बाद इसको हमें इस तरह से डाल लेना है। ये देखने में ड्राई लग रहा है, बट ये एकदम से बढ़िया सा ऐसे ही हमें इसको बनाना है, और इस तरह से इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है।
स्पून या फिर हाथों से दबाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से देखिए हो जाता है। और यहाँ पर आप चाहें तो अपने मन पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इसको डेकोरेट करने के लिए डाल सकते हैं, ताकि ये जो हमारा मिठाई है एकदम से बढ़िया सा लुक में आए। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रही क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। अब इसको करना क्या है कि आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर इसी तरह से बाहर भी रखेंगे तो ये आसानी से सेट हो जाता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से ये हमारा जो है सेट हो चुका है। तो बस इसको हमें करना क्या है कि आप यहाँ पर अपने मनपसंद शेप में इसे काट सकते हैं, जैसे भी आपको काटना है इसको काट सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फी शेप में काट रही हूँ, देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बन करके तैयार हो जाता है। देखिए एकदम से बढ़िया सा ये निकल भी जाता है। देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बर्फी मिठाई बन करके तैयार हो चुका है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। पार्ले जी बिस्किट्स से बने मिठाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।